ओ तेरे बयाबानों की हवा तुझको गवारा। बुढ़े बलोच की नसीहत है ना, इकबाल ने लिखा अपने पुत्र नूं, ओ तेरे बयाबानों की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। ये बुढ़े बलोच ने इकबाल कहा अपने पुत्र नूं नसीहत की, उन्होंने कहा पुत्रा शहर दिया चमका दमका वेख के बलोचिस्तान के पहाड़ से सारा ना छड़ जा। इकबाल ने कहा कि उसने कहा कि है जड़े हैं ये तेरे पहाड़ के दश्त सहारा, और इन्हों की हवा इन्हों के तू अपने माफिक रखी, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तको दो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तको दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दौरा। हाँ फकीर भी होवे ते साहब कोल कीड़ी शै सी, लेकिन होके जाके वध के कहंदा गैरत है बड़ी चीज जहाने तको दो में। ओ नहीं जी नहीं, आप कौन सी बातें करते हैं जनाब, मस्जिद को बड़ा करोना आ रहा है, आप मस्जिद बंद कर दे, समय तोड़ दे, बड़ी जरूरत है। इकबाल कहंदा उसने अपने बुढ़े बलोच ने अपने क्या पुत्र नूं क्या गैरत है बड़ी चीज जहाने तको दो में, और पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। आगे इकबाल कहता है कि उस बुढ़े बलोच फिर की गल की थी, तीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, अपने पुत्र नु कहना, तीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। कहना यार दीन देके केड़ियां तुम, और तीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। और दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। फिर दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, बुढ़े बलोच मैं कहना इकबाल इस दौर की गल की, फिर दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को भारा। मतलब फिर तहजीब दरिंदे, ओ मस्जिद बंद कर दो, मदरसे बंद कर दो, सफा तोड़ दो, मुंह ते छिके चाड़ लो, क्यों जी ये जरासीम जड़े दो चार आए खड़े ने, तुहानू पता नहीं बंदे नू मार देने। मैं कहा युही व युमीद ते सिफत मेरे रब दी, वही जिंदा करता है वही मारता है, यह है इकबाल। फिर दुनिया को है मार गए रूह बदन पेश, अल्लाह एक तरफ रूह है और एक तरफ बदन, ये मारता फिर पेश है, और चाहिए तो ये था कि रूह वाले खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, ये बात हो नहीं ना सकती।